साहब, मैं यहाँ के जो डीसी साहब हैं किश्तवाड़ के, बहुत ही ऑनेस्ट और ईमानदार आदमी हैं। मैं उनसे गुजारिश करना चाहता हूँ, और जो यहाँ पे नए एसएसपी साहब आए हैं खलील पासवाल साहब, मैं उनसे भी गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये जो चोर हैं यहाँ प्रोजेक्टों में जिन्होंने धांधली मचाई है, इन पे नकेल कसी जाए। और मैं एक्स पावर मिनिस्टर सुनील शर्मा साहब से भी ये गुजारिश करता हूँ, जो हमारे हाई कमांड हैं, उनसे भी मैं ये गुजारिश करता हूँ कि इन पे कड़ी नकेल कसी। चोले होते हैं जो ये पैसा खाते हैं, तो इन्होंने बड़ी गंद मचाई है यहाँ पे। मैं इनको एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ, जो हमारे हाई कमांड है सुनील शर्मा जी से, मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ। मजदूरों को निकाल रहे हैं तो उनके लिए कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है। किसान मजदूर यूनियन जो है वो सोई हुई है। जब मैंने कल स्टेटमेंट लगाई, उसके बाद मुझे इनके जनरल सेक्रेटरी का फ़ोन आया, किसान मजदूर यूनियन के जनरल सेक्रेटरी का फ़ोन आया। मैंने उनका फ़ोन रिसीव नहीं किया। फिर उन्होंने कहना चाहोगे, कल आपका स्टेटमेंट भी एक हमने देखा था, जिसमें आपने यूनियन को लेके बड़े एलिगेशन लगाए थे, और अफगान कंपनी को लेके बड़े एलिगेशन लगाए थे, और अपने सुनील शर्मा से गुहार लगाई थी। तो क्या कहेंगे, ज़रा हमें तफसीलन बताइए। हज़रत साहब, सलाम अलैकुम। सबसे पहले मैं आपकी मीडिया का शुक्रगुजार हूँ कि आप मेरे बुलाने पे यहाँ पे आए। जनाब, मैंने कल एक स्टेटमेंट दी थी किसान मजदूर यूनियन के अगेंस्ट में। उसमें हमने ये लिखा था कि यहाँ पर अफगान कंपनी ने कुछ वर्कर रिट्रेचमेंट किए, जिनका कोई परेशान हाल नहीं है, उनको निकाल दिया गया, उनके अकाउंट में पैसा डाल दिया गया। ये जो किसान मजदूर यूनियन है, ये हर महीने हर वर्कर से 100 रुपया लेते हैं। इनका सीरियल नंबर हो गया है, रिसिप्ट का सीरियल नंबर हो गया है 20,000। कम से कम 20 लाख रुपया इन्होंने जमा किया है। और इस वक्त अगर कंपनियां यहां पर मजदूरों को निकाल रहे हैं, तो उनके लिए कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है। किसान मजदूर यूनियन जो है वो सोई हुई है। जब मैंने कल स्टेटमेंट लगाई, उसके बाद मुझे इनके जनरल सेक्रेटरी का फ़ोन आया, किसान मजदूर यूनियन के जनरल सेक्रेटरी का फ़ोन आया। मैंने उनका फ़ोन रिसीव नहीं किया। फिर उन्होंने कुछ ग्रुपों में एक वॉइस डाली कि खलील साहब, आपने जी भेड़ू खाया, पता नहीं क्या क्या किया। मैंने कहा कि मैं तो पेशे से एक ठेकेदार हूँ, मैंने क्या किया आप उसकी तरफ मत देखो। लेकिन नसीब सिंह जी, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप अगर वर्करों के रहनुमा हो, आप एक यूनियन लीडर हो, ट्रेड यूनियन लीडर हो, आपको वर्करों का सोचना है। वर्करों को अगर निकाला गया है, तो उनके रिट्रेचमेंट के लिए क्या सोचा आपने? हमने भी ट्रेड यूनियन में 15 साल काम किया। आप जेपी का वक्त देखो, 20 साल पहले यहाँ पर 5 टाइम 7 टाइम दिया गया मजदूरों को। लेकिन इस वक्त अगर मैनेजमेंट मजदूर को लेबर लॉ के हिसाब से फाइनल दे रही है, तो यूनियन का क्या फ़ायदा है? अगर इस वक्त यूनियन चल रही है तो क्या फ़ायदा है? यहाँ पर ये जो 4-5 प्रोजेक्ट जो आए, ये हमारे एक्स मिनिस्टर सुनील शर्मा जी की देन है। उन्होंने ये प्रोजेक्ट यहाँ पर लाए थे कि यहाँ पर बेरोज़गारी ख़त्म हो जाएगी, और इन प्रोजेक्टों पे काम भी चल रहा है। और सुनील शर्मा जी ने यहाँ पर प्रोजेक्ट इसलिए लाए थे कि यहाँ पे जो गरीब लोग हैं, उनका मतलब उनके बाल बच्चे भूखे न मरे, इसलिए ये प्रोजेक्ट लाए थे। मगर यहाँ पर कुछ अनासिर ऐसे हैं जो उनसे भी पैसा वसूल करते हैं, जो गरीब मजदूर हैं। भाई, अगर आप पैसा वसूल करते हो तो उतना उनका काम भी करो। अगर सेफ्टी बूट है या जैकेट है या और कुछ है, अलाउंस है, वो तो कंपनी खुद दे रही है, तो इनका क्या पार्ट रहता है इसमें? यहाँ देखो आप, यहाँ सुनील शर्मा जी हैं कंपनी का, वहाँ कोई भी आदमी नहीं होता है। जब हम वहाँ जाते हैं, हमने कभी कंपनी का आदमी वहाँ नहीं देखा। ये जो यूनियन लीडर है, इनके घरों में कंपनी के आदमी काम करते हैं, कंपनी ने इनको घरों में चपरासी तक रखे हैं। मैं सुनील शर्मा जी से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक वर्कर हूँ, और मैं सुनील शर्मा साहब के लिए काम करता हूँ,
और जब मैं ये यहाँ पे देखता हूँ, मैं यहाँ का लोकल हूँ, यहाँ का रहने वाला हूँ प्रोजेक्ट एरिया में, मैं जब यहाँ देखता हूँ मजदूरों की हालत देखता हूँ तो मुझे बड़ा अफसोस होता है, क्योंकि यहाँ मजदूर इस वक्त रो रहे हैं। अभी दो शिफ्टों में 60 आदमी पहले निकाले इन्होंने, उनसे भी इन्होंने पैसा लिया, वो तो बेचारे निकल गए, चले गए। इस वक्त आप मुझे बताओ आजर साहब, अगर ये प्रोजेक्ट नहीं होते यहाँ पे, तो यहाँ पर कितनी बेरोज़गारी थी? ये भारतीय जनता पार्टी की देन है, उन्होंने यहाँ पे ये प्रोजेक्ट लाए, हमारे सुनील शर्मा जी ने सेंटर से ये प्रोजेक्ट लाए, और हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की क्या मतलब उनकी एक ही बात है कि डायरेक्ट आदमी के पास पहुंचना चाहिए पैसा। बीच में जो ये बिचौले होते हैं, जो ये पैसा खाते हैं, तो इन्होंने बड़ी गंद मचाई है यहाँ पे। मैं इनको एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ, जो हमारे हाई कमांड है सुनील शर्मा जी से मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि इनकी क्लास ली जाए, ये जो किसान मजदूर यूनियन है इनकी क्लास ली जाए। अभी कुछ दिन पहले डिमांड की इन्होंने मजदूरों से, जो इनका जनरल सेक्रेटरी है उसने डिमांड की कि मुझे हज़ार हज़ार रुपया दे दो जी, दो दो हज़ार रुपया दे दो जी। किस बात के लिए दे देंगे अगर मजदूर को? अभी जो रेट बढ़ा वो तो गवर्नमेंट ने रेट बढ़ाया, गवर्नमेंट ने जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने रेट बढ़ाया, और जगह जगह पे सुनील शर्मा जी पता नहीं कहाँ कहाँ पहुँचे इनके रेट के लिए। तो इन्होंने तो कोई काम नहीं किया ऐसा काम कि जिससे इनकी शाबाशी की जाए। तो हमने तो जब हम देखेंगे आंखों से बुरा हाल है मजदूरों का, तो हमने तो बोलना है। और इसके अलावा मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, डोडा से जब हम यहाँ के लिए किश्तवाड़ के लिए चलते हैं, जितने भी ठेकेदार जो सबलेट काम दिया है ठेकेदारों को, इसमें नीचे एग्रीगेट बिछाना चाहिए रोड में, वहाँ भी कोई देखभाल नहीं कर रहा है, वहाँ सिर्फ मिट्टी बिछाई जा रही है वहाँ से खलीनी से तो यहाँ किश्तवाड़ तक। और हर प्रोजेक्टों में ये जाते हैं तो पैसा वसूल करते हैं, मेंबरशिप दे दो जी, मेंबरशिप दे दो जी, 100-100 रुपया एक एक आदमी से ये मेंबरशिप लेते हैं। तो हमारी हाईकमांड से यही रिक्वेस्ट है, हम बीजेपी के वर्कर हैं, हमारी सुनील शर्मा जी से यही रिक्वेस्ट है कि ये जो किसान मजदूर यूनियन के कुछ अहदेदार हैं, जो ये अपने आप को नाम निहाल लीडर कहते हैं, तो इनसे कहा जाए कि भाई आप मजदूरों के साथ ये खिलवाड़ मत करो, मजदूरों का पैसा मत हड़प करो, मजदूरों को अपना पैसा वापस दे दो जो इनसे लिया है, और इनको गाड़ी तक फ्री है कंपनी की, ये नौकरी करते हैं कंपनी में, कोई ड्यूटी नहीं दे रहा है, अपने अपने घरों में बैठ के इनको तनख्वाह मिलती है, और मजदूर बेचारा दिन भर मारता है काम करके। तो इससे ज़्यादा साहब मैं यहाँ के जो डीसी साहब हैं किश्तवाड़ के, बहुत ही ऑनेस्ट और ईमानदार आदमी हैं, मैं उनसे गुजारिश करना चाहता हूँ, और जो यहाँ पे नए एसएसपी साहब आए हैं खलील पासवाल साहब, मैं उनसे भी गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये जो चोर हैं यहाँ प्रोजेक्टों में जिन्होंने धांधली मचाई है, इन पे नकेल कसी जाए। और मैं एक्स पावर मिनिस्टर सुनील शर्मा साहब से भी ये गुजारिश करता हूँ, जो हमारे हाई कमांड हैं, उनसे भी मैं ये गुजारिश करता हूँ कि इन पे कड़ी नकेल कसी जाए। तो शुक्रिया।